दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल ट्रेवल ड्रीम, और मैं हूं आप नए टॉपिक नए वीडियो के साथ आपके लिए नई जानकारी लेकर। तो दोस्तों, यहां मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूं कि पिछले कुछ समय से मेरी जो है वीडियो नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैंने 3 ट्रिप बनाए और तीनों के तीनों कैंसिल हो गए, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, नहीं अपलोड कर पाया। लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ इस बीच आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दे, नेक्स्ट ट्रिप जो है वो प्लान करते हैं। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि आपको अब जानकारी देते हैं कुछ ऐसी कंट्रियों के बारे में जो बहुत ही आसानी से भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को वीजा प्रोवाइड करवाती है। जिस सीरीज में मैंने इस बारे में, मतलब आपको पहले भी वीडियो जिसमें मैंने मलेशिया का जो है ENTRI वीजा के बारे में वीडियो बनाई है, क्या नाम है, थाईलैंड वीजा के बारे में वीडियो बनाई है, ऐसे ही सिंगापुर वीजा के बारे में वीडियो बनाई है। तो मैं सोच रहा हूँ ये अभी और जब तक मेरा नेक्स्ट ट्रिप जो है मैं प्लान करता हूँ, हालांकि बहुत जल्द जो है हम जो है एक नए ट्रिप पे जाने वाले हैं, वो सीक्रेट है, वो जब जाऊँगा वो वीडियो में बनाऊँगा। तो दोस्तों, अब मैं जो है सोच रहा हूँ कि जो है आपको वीजा के बारे में बताऊँ और एक नई कंट्री के बारे में, क्योंकि मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ और आपका बहुत प्यार मिला, उसमें कुछ क्वेरी भी मेरे पास आई और मैंने कोशिश करी है कि वो क्वेरी फुलफिल, यानी कि उन सवालों का मैं जवाब दे पाई। मैंने जवाब भी दिए, कुछ लोगों ने उसकी मदद भी की है उन जवाब से। तो इसी के मद्देनज़र मैं एक और वीज़ा की वीडियो लेकर आया हूँ, और अब की बार कंट्री है कंबोडिया। जी हाँ, कंबोडिया के वीज़ा के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, कंबोडिया जो है वो भारतीयों के लिए यानी इंडियंस के लिए दो तरह के वीजा प्रोवाइड करती है। एक वीजा है ई वीजा और दूसरा है वीजा ऑन अराइवल। तो सबसे पहले मैं अपने फेवरेट वीजा, यानी के जो मुझे सबसे अच्छा लगता है और सबसे इजी प्रोसेस मुझे लगता है, वो है वीजा अराइवल। वीजा ऑन अराइवल क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्स कम लगते हैं और ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कंबोडिया के वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में। तो दोस्तों, इसमें जो है आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ 2 पेज खाली होने चाहिए, जी हाँ, और 2 रिसेंट फोटो, यानी कि 2 जो अभी की फोटो हो वो आपको वो चाहिए। और कंबोडिया जो है वो भारतीयों के लिए यानी इंडियंस के लिए 30 दिन का वीजा ऑन अराइवल प्रोवाइड कराता है, और उसकी फीस है सिर्फ और सिर्फ 30 USD, यानी के 30 अमेरिकन डॉलर। और इसमें आपको इसके अलावा कोई जानकारी या कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। 2 रिसेंट फोटो, क्या नाम, पासपोर्ट वैलिडिटी 6 मंथ, 2 पेज खाली के साथ 30 USD आपकी फीस लगेगी। और फ्लाइट टिकट, हालांकि वो पूछते नहीं है, लेकिन अगर फ्लाइट टिकट आप रिटर्न करा लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि लोगों को जो है ना बहुत कंफ्यूज होते हैं, या इंडियंस के बारे में थोड़ा सा वो रहता है कि ये वापस जाएंगे नहीं जाएंगे। अगर आप रिटर्न टिकट कराते हैं वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और दोस्तों, जो वीजा ऑन अराइवल है उसके लिए कंबोडिया में एंट्री के पॉइंट भी काफ़ी हैं, यानी कि वियतनाम से, लैंड बॉर्डर से भी आप जा सकते हैं, आपको वीजा ऑन अराइवल प्रोवाइड हो जाता है। और थाईलैंड से भी जो है कंबोडिया बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ से भी आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। तो ये था बहुत आसान तरीका। लेकिन हाँ, जो लैंड बॉर्डर आप क्रॉस करते हो, यानी कि जब आप बस से या जमीनी बॉर्डर जो है वो आप क्रॉस करते हो, वहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कंबोडिया के इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो बहुत ज़्यादा करप्ट हैं, यानी कि रिश्वत मांगते हैं। 30 USD आपकी फीस है, लेकिन वो आपसे डिमांड करेंगे 2 या 3 डॉलर 4 डॉलर ज़्यादा, यानी कि 30 USD के अलावा भी 2 से 4 डॉलर वो ज़्यादा मांगते हैं। और जब तक आप नहीं देते हैं तो वो आपका पासपोर्ट नहीं देते हैं, और आप बहस भी करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, वो आपको 1 घंटे 2 घंटे बिठा देंगे। क्योंकि कई मैंने लोगों से सुना है कि वो जो है इमिग्रेशन अगर 2 या 4 डॉलर नहीं देते हैं तो वो 1-1, 2-2 घंटे बिठा, तो वो आपके ऊपर है, आप बैठना चाहेंगे 2 घंटे या बहस करना चाहिए। वैसे मेरा जो मानना है 2 डॉलर को दो और निकल जाओ, क्योंकि उससे बहस में कोई फ़ायदा
नहीं है। तो दोस्तों ये था वीजा ऑन अराइवल जो बहुत ही आसान है। और अब नंबर दो यानी कि ई वीजा। ई वीजा है वो थोड़ा सा लिमिटेड, यानी कि ई वीजा है और 3 मंथ के लिए आपको मिलता है। 3 महीने के लिए आपको ई वीजा प्रोवाइड होगा। ई वीजा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वीजा, ऑनलाइन आपको वीजा मिल जाता है। उनकी ऑफिशियल साइट पर जाइए, जो आपके पासपोर्ट में डिटेल है, आपके नाम एड्रेस वही डिटेल आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ऑनलाइन भरनी है। लेकिन यहाँ पर आपको वीजा फीस जो है वो 36 USD यानी कि 36 अमेरिकन डॉलर पे करनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको एक दिक्कत और होगी, क्योंकि कंबोडिया में सिर्फ 3 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो आप 3 जगह से ही एंट्री कर सकते हैं ई वीजा के लिए। वीजा ऑन अराइवल जो है वो जो, क्योंकि थाईलैंड से 6 बॉर्डर शेयर करता है, वियतनाम से 5 बॉर्डर शेयर करता है और लाओस से 1 शेयर करता है, तो यानी कि आप समझ गए होंगे जो वीजा ऑन अराइवल के जो एंट्री पॉइंट है वो आपको ज्यादा मिलेंगे ई वीजा के मुकाबले। और ई वीजा जो है जैसे कि बताया 3 मंथ की वैलिडिटी देता है वीजा की, लेकिन आपको स्टे 30 दिन का ही मिलेगा। तो यानी कि ई वीजा लेने का कोई ऐसा वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपको जो वीजा ऑन अराइवल है उसमें भी 30 दिन की वैलिडिटी, स्टे वैलिडिटी मिल रही है, और वीजा ई वीजा में भी 30 दिन की जो है स्टे वैलिडिटी मिल रही है 3 महीने के वीजा के साथ। और जो फीस भी ई वीजा की ज़्यादा है, 36 USD है जो कि वीजा ऑन अराइवल पे 30 USD है, और बहुत ही आसानी से वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वीजा ऑन अराइवल लें, जैसे थाईलैंड में हम लोग लेते हैं। और मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि थाईलैंड आप गए तो कोशिश कीजिएगा थाईलैंड से ही कंबोडिया आप घूम लें, और लैंड बॉर्डर से बहुत आसानी से आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने बताया आपको कंबोडिया के वीजा ऑन अराइवल और ई वीजा के बारे में, किस तरह आप ले सकते हैं। बहुत आसान है और बहुत ही सुंदर जो है वो कंट्री है कंबोडिया। टेंपल्स के बारे में जानी जाती है, जो कि वहाँ का मेन टेंपल जो है एंकोर वट, जो बहुत ही वर्ल्ड फेमस है, जिसको लोग और टूरिस्ट वहाँ पर देखने जाते हैं। तो दोस्तों ये था कंबोडिया का वीजा प्रोसेस, वीजा ऑन अराइवल और ई वीजा। इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से आपका प्यार बाकी वीडियो मिलता रहा है इसमें भी मिलता रहेगा, आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल यानी कि घंटी का बटन जरूर दबाए, ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज करते हैं इस वीडियो को यहीं समाप्त। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।